स्टूडेंट्स आइए आज हम प्रीपोजिशन के कुछ फिक्स प्रीपोजिशन देख ले रहे हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें से परीक्षा में जरूर आता है, इसलिए आप उसको ध्यान से देखिए। देखिए आज का जो है पहला प्रीपोजिशन है अबाइड बाय। पहला क्या है? अबाइड बाय। अबाइड के साथ हमेशा बाय ही लगेगा और इसका अर्थ क्या होगा? मानना। क्या होगा? मानना। अब इसको याद कैसे होगा? मेन बात यह है कि याद कैसे होगा, हम उसको बता रहे हैं, उसको कनेक्शन लिंक करके बता रहे हैं। जैसे कह रहे हैं वैसे आप याद करोगे, आसानी से याद होगा, बहुत नहीं तो बहुत ज़्यादा भूलता है। तो देखिए पहला है अबाइड बाय। अबाइड, अबाइड के साथ हमेशा बाय लगेगा और इसका अर्थ क्या होगा? मानना। कैसे याद रहेगा? जैसे बाय माने द्वारा, अबाइड माने माने, किसी के द्वारा कोई कही गई बात को आप क्या करते हो? मानते हो। तो इसलिए अबाइड बाय माने क्या होगा? मानना। कि जैसे बाय का अर्थ द्वारा होता है, तो जो भी उस शब्द के साथ लगा प्रीपोजिशन उससे उसका कनेक्शन लिंक कर दो तो आराम से क्या होगा, आपका शब्द याद हो जाएगा। तो अबाइड बाय कहीं भी आएगा, अबाइड के साथ परीक्षा में दूसरा प्रीपोजिशन लगा के दिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाय लगा दोगे तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो अबाइड बाय माने क्या होगा? मानना होगा। चलिए वाक्य देख लेते हैं, आगे वाक्य भी दिया गया है। जैसे देखिए दिया है वी शुड अबाइड बाय देयर डिसीजन, हमें उनके निर्णय को क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। हमें उनके निर्णय को मानना चाहिए। चलिए अगला प्रीपोजिशन देखते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन एक्यूज्ड। एक्यूज्ड देखिए वर्ब है, एक्यूज्ड के साथ हमेशा क्या प्रीपोजिशन लगेगा? आफ लगेगा। कोई दूसरा आएगा परीक्षा में, सिंटैक्स आप पढ़ रहे हैं या कॉमन एरर कुछ भी, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको हटा, आफ के अलावा दूसरा रहेगा, हटा के आफ लगाना पड़ेगा। तो एक्यूज्ड आफ माने क्या होता? अपराध लगाया, अपराध लगाया या दोष लगाना। जैसे सॉक्रेटिस वाज एक्यूज्ड आफ मिसलीडिंग द यंग पीपल, कक्षा 10 में आप पढ़े थे, गलत गुमराह करने का आरोप लगाया। तो एक्यूज्ड साथ हमेशा आफ लगेगा, तो एक्यूज्ड आप माने अपराध लगाया या दोष लगाया, तो इसको आप आराम से याद कर सकते हैं इस तरह से। आप माने का, एक्यूज्ड माने दोषी, किसी चीज का ही आदमी दोषी होता है, इसलिए एक्यूज्ड आप माने क्या होगा? दोष लगाना या आरोप लगाना। क्लियर? तो किसी चीज का ही आदमी के ऊपर अपराध लगाया जाएगा, इसलिए आप माने का होता, तो आप एक्यूज्ड आप माने अपराध लगाया होगा। का उसमें छिपा रहता है, भले ना लिखा जाए लेकिन आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि किसी चीज का ही अपराध लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छे समझ सकते हैं अगर आप एग्जाम्पल पढ़ लोगे, एग्जाम्पल से आपको कभी नहीं भूलेगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है, यू हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, यू हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, तुम पर जो है हत्या का आरोप लगाया गया, अपराध लगाया गया, तुम पर हत्या का क्या लगाया गया? अपराध लगाया गया, यू हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। चलिए तीसरा देखते हैं, अबाउंड इन। अबाउंड इन माने होता भरा हुआ, अबाउंड साथ क्या लगेगा? इन लगेगा, भरा हुआ। याद कैसे रहेगा? अबाउंड, अबाउंड माने से होता अधिक मात्रा में पाया जाना, इन माने में किसी स्थान में कोई चीज अधिक मात्रा में पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं अबाउंड इन, इस तरह से भरा हुआ। वैसे तो नहीं तो फुल आफ माने भी भरा हुआ होता है। क्लियर? फुल के साथ आफ लगेगा लेकिन अबाउंड साथ इन लगेगा, क्यों? क्योंकि किसी स्थान में ही कोई चीज अधिक मात्रा में पाई जा रही, इस तरह से भरा हुआ होने के लिए अबाउंड इन लगता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, इंडिया अबाउंड्स इन मिनरल्स। देखिए इंडिया माने भारत, अबाउंड्स इन मिनरल्स, मिनरल्स माने होता है खनिज, भारत में खनिज जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका मेन अर्थ होता है अबाउंड माने अधिक मात्रा में पाया, भारत में खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, खनिज मतलब भारत खनिजों से भरा हुआ है, भारत में खनिज भरा हुआ है। क्लियर? ज्यादा से ज्यादा खनिज आपको मिल जाएंगे भारत में। क्लियर? इस तरह से भारत में खनिज भरा हुआ है, ऐसे कहो, या भारत में खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, ऑब्जर्व्ड इन। ऑब्जर्व्ड इन, ऑब्जर्व्ड माने क्या होता है? अवशोषित करना या सोखना भी होता है ऑब्जर्व्ड माने, इन माने में, लेकिन इसमें क्या, डूबा हुआ। अवसर्ड इन माने डूबा हुआ, जैसे किसी चीज में आपका ध्यान खींच लिया गया, आपने आपको आप उसमें अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है, उसको आप अवसर्ड इन कहते हैं। अवसर्ड माने डूबा हुआ, इतना ही जान लीजिए। इन माने में, यहाँ डूबा हुआ का अर्थ लिया जाएगा, इन माने में किसी चीज में ही आप डूबे रहते हो, जैसे विचारों में डूबे हुए, पढ़ाई में डूबे हुए, कुछ ना कुछ किसी काम में आप डूबे रहते हो ना, पूरे विचार मग्न रहते हो, उसी को कहते हैं अवसर्ड इन। तो याद कैसे होगा? देखिए ऑब्जर्व्ड साथ इन, इन माने में, तो किसी चीज में ही आदमी डूबा रहता है, तो ऑब्जर्व्ड इन माने डूबा हुआ, या लवलीन दूसरी हिंदी दिया। अब देखिए ही वाज ऑब्जर्व्ड इन स्टडीज, वाक्य क्या कह रहा है? ही वाज ऑब्जर्व्ड इन स्टडीज, वह पढ़ाई में क्या डूबा हुआ है। क्लियर? इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे एक दो बार तीन बार तो आराम से याद हो जाएगा, जैसे बता रहे वैसे समझेंगे बहुत आसानी से याद हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा बोलता। ही वाज ऑब्जर्व्ड इन स्टडीज, वह पढ़ाई में डूबा हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं, पांचवा एबसेंट फ्रॉम। एबसेंट के साथ हमेशा क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा, ठीक है, अनुपस्थित होना
याद कैसे रहेगा? एब्सेंट माने अनुपस्थित, फ्रॉम माने से, उसके बाद वाला से भी उसका कनेक्शन। मेन अर्थ तो जो दिया एब्सेंट या अबाइड उसी का लिया जाएगा, लेकिन उसके साथ जो प्रीपोजिशन उसका भी कनेक्शन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्यों वही प्रीपोजिशन लगा है, वो कारण मैं बता रहा हूँ ताकि आप भूलो ना। एब्सेंट साथ फ्रॉम लगेगा, फ्रॉम माने होता से, तो कहीं से ही आदमी अनुपस्थित रहता है, जैसे बच्चा कॉलेज से अनुपस्थित है, मीटिंग से अनुपस्थित है कोई, तो इस तरह से फ्रॉम माने से, तो अब सेपरेशन बताता है, अनुपस्थित हो जाएगा तो वहाँ से अलग रहेगा, तो अलगाव प्रकट होने के लिए फ्रॉम ही लगता है, इसका अलग अलग यूज आप पढ़े होंगे। तो एब्सेंट फ्रॉम माने अनुपस्थित होना, कहीं से ही आदमी अनुपस्थित रहता है, इसलिए इसका मतलब होता है एब्सेंट फ्रॉम। तो कहीं भी एब्सेंट साथ फ्रॉम ही लगेगा, जैसे वाक्य में देख लियो इसका यूज, ही वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, वह कल क्लास से क्या था? अनुपस्थित था। वह कल क्लास से क्या था? अनुपस्थित था। इस तरह से इसको आराम से समझ सकते हैं। देखिए अगला है, छठवां है, एक्सीड टू। एक्सीड, एक्सीड माने क्या होता है? सहमत होना। टू माने से, तो टू माने से भी होता, के लिए भी होता, कई अर्थ होते हैं उसके, तो यहाँ एक्सीड साथ टू ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि किसी आदमी से ही कोई आदमी सहमत होता है, टू माने के लिए भी होता है, किसी के लिए ही आप सहमत होंगे ना, कोई बात कोई कहा आदमी, आप उस बात को मान लिए तो उस बात के लिए आप क्या हो गए? सहमत हो गए, टू माने के लिए। क्लियर? इस तरह से एक्सीड साथ हमेशा क्या लगेगा? टू लगेगा। एक्सीड टू माने सहमत होना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही एक्सीडेड टू माई प्रपोजल, वह मेरे प्रस्ताव से क्या हो गया? सहमत हो गया। तो इस तरह से आइए अगला प्रीपोजिशन देखते हैं। अगला प्रीपोजिशन है हमारा अकॉर्डिंग टू। तो अकॉर्डिंग के साथ हमेशा टू लगेगा, इसको आप जानते होंगे, बहुत कॉमन है, फिर भी आप जान लें, अकॉर्डिंग साथ हमेशा टू ही लगेगा, कुछ और प्रीपोजिशन आएगा तो गलत हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग साथ टू, जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, वह मेरी सलाह के अनुसार कार्य करता है। टू माने के लिए, अकॉर्ड माने अनुसार, किसी के लिए आदमी किसी के अनुसार काम करता है, तो अकॉर्ड साथ में से टू लगे, तो अकॉर्डिंग टू माने के अनुसार। अगला है अकस्टम्ड टू। अकस्टम के साथ हमेशा क्या लगेगा? टू लगेगा। अकस्टम टू माने होता है अभ्यस्त, आदती होना या अभ्यस्त होना। क्लियर? तो अकस्टम टू, अकस्टम साथ हमेशा टू लगेगा, इतना जाने, किसी चीज, टू माने होता के लिए, आप पता है, तो किसी चीज के लिए ही कोई आदमी अभ्यस्त रहता है ना, अभ्यस्त मतलब आदती होना, आदि होना। जैसे बहुत लोग दिन भर में 10 चाय कम से कम पीने के लिए अभ्यस्त रहते हैं, कि बिना चाय पिए उनसे नहीं रह जाता, पान खाने के अभ्यस्त रहते हैं, इस तरह से कुछ मतलब आदत होती है लोगों को। तो एकस्टम टू, जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही आई एम एकस्टम टू टॉक टू ए फॉरनर, यहाँ बताया क्या जा रहा, मैं विदेशी से बात करने का अभ्यस्त हूँ। मतलब कोई विदेशी आ जाएगा जिससे इंग्लिश बोल रहा, तो मेरी भी शौक होती है मैं भी उससे इंग्लिश में बात करूँ, तो मैं विदेशी से बात करने का क्या हूँ? शौकीन हूँ। इस तरह से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, किस चीज़ का शौकीन होना यानी अभ्यस्त होना, विदेशी से बात करने का अभ्यस्त हूँ। अगला देखते हैं एक्ट अपान। एक्ट अपान माने होता के अनुसार कार्य करना, तो किसी के अनुसार कार्य करना। याद कैसे होगा? ये फ्रेजल वर्ब में भी आपको आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी आता है एक्ट अपान। याद कैसे होगा? अपान माने होता ऊपर, पर या ऊपर के लिए अपान लगता है, एक्ट माने कार्य करना। कोई आपसे ऊपर है यानी आपसे पद में ऊपर है, उम्र में ऊपर है, सीनियर है, तो उसके अनुसार आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसको कहते हैं एक्ट अपान। तो एक्ट अपान माने होगा इसलिए के अनुसार कार्य करना, कोई आपसे अपान है, ऊपर है, उसके अनुसार एक्ट कर रहे हैं यानी एक्ट अपान कर रहे हैं, उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी शुड एक्ट अपान हिज एडवाइस, हमें उसकी सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। शुड भी चाहिए, हमें उसकी सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। देखिए अगला है, दसवां है एडिक्टेड टू। एडिक्टेड के साथ भी टू लगता है, एकस्टम के साथ भी टू लगता है, कुछ बातें इस तरह से आप एक इकट्ठा याद कर सकते हो, दिमाग बैठा सकते हो, एकस्टम और एडिक्टेड दोनों के साथ टू लगता है। एडिक्टेड का लेकिन स्पेशली प्रयोग कब होता है? बुरी आदतों में पड़ा हुआ। और जैसे एकस्टम मतलब अच्छी आदत, विदेशी से बात करना कोई अच्छी ही आदत है, वहाँ थी आई एम एकस्टम टू टॉक टू फॉरनर, लेकिन यहाँ एडिक्टेड टू हमेशा कब लगेगा? बुरी आदतों में पड़ा हुआ, कोई बुरी आदत सीख ले, जैसे शराब पीने की किसको लत लग गई तो उसको एडिक्टेड टू कहेंगे, ठीक है, बुरी आदतों में पड़ा या लत होना, व्यसनी होना, ये सब इसकी हिंदी होती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही इज एडिक्टेड टू वाइन, वह शराब पीने का क्या है? शराब पीने की बुरी आदतों में पड़ा हुआ है, तो स्पेशली बैड थिंग के लिए लगता है। चलिए अगला देख लेते हैं, ग्यारहवां है अफ्रेड ऑफ। तो अफ्रेड ऑफ माने होता है डरना, ठीक है। इस तरह से कम से कम 100 से 150 आपको बताया जाएगा, जो लगभग 150 के लगभग, जो कि उसमें से आपका काम हो जाएगा परीक्षा में, वही सब ज़्यादा आता है, वैसे तो बहुत हैं फिक्स प्रीपोजिशन, लेकिन आपके लेवल तक का जो ज़्यादा परीक्षा में आता है वही बताया जाएगा। तो अब देखते हैं ग्रामर, अफ्रेड साथ हमेशा आफ लगेगा,
तो अपने कोर्स के अनुसार जितने हैं उतना तैयार कर लो। अब फ्रेंड्स साथ हमेशा आफ लगेगा, या आफ माने क्या होता है, के प्रति, यस से भी होता है। तो डरना अफ्रेड ऑफ, किसी चीज़ के प्रति ही आपके अंदर डर रहेगा या किसी चीज़ से ही आप डरोगे, तो अफ्रेड ऑफ। तो आफ माने के प्रति, किसी चीज़ के प्रति आपके अंदर डर है, भय, आप भयभीत हैं, तो अफ्रेड ऑफ इस तरह से हो। या आफ इसका भी होता है, किसी चीज़ का ही आपको डर रहेगा, इस तरह से अफ्रेड साथ आफ इसीलिए लगेगा, ऐसे आप समझ सकते हो उसको। अफ्रेड ऑफ माने डरना है, भयभीत होना। जैसे एग्जाम्पल देख ले, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टी, वह कठिनाइयों से नहीं डरता है, वह कठिनाइयों से नहीं डरता है। चलिए अगला देख लेते हैं, बारहवा है अफेक्शन फार। अफेक्शन के साथ हमेशा क्या लगेगा, फार लगेगा। अफेक्शन फार माने क्या होता है, प्रेम, स्नेह, लगाव, इसको कहते हैं अफेक्शन फार। कक्षा 10 में आप पढ़े थे गांधी जी, वो गंगा वाले में, उनको भी अफेक्शन था पीपल से, लोगों से, क्लियर। तो इस तरह से यहाँ भी अफेक्शन फार माने प्रेम होगा। तो ही हैज नो अफेक्शन फार हिज फादर, उसका अपने पिता से प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस में भी अफेक्शन फॉर हिज फादर होता, तो इस तरह से निगेटिव मीनिंग बताया जा रहा है, ही हैज नो अफेक्शन फॉर, उसका अपने पिता से लगाव नहीं है, ये प्रेम नहीं है। नहीं, अब आज की वीडियो में इतना ही, आगे आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकें। और ये फिक्स प्रीपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा आता है, इसका लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको आगे फिर कई पार्ट में आपको मिलती रहेंगी। ऐसे प्रीपोजिशन हाई स्कूल में भी आते हैं, प्रीपोजिशन सही प्रीपोजिशन का चयन करने के लिए, इंटर में सिंटैक्स में आते हैं, इसके बाद बीए में आते हैं, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, हर परीक्षा में आते हैं। इसलिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।